ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरा में सड़कों की दुर्दशा और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से लोग पहले से ही परेशान हैं और ये दर्द तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब लोगों को इस लापरवाही का विरोध करने पर गाली गलौज और हमला बर्दाश्त करना पड़ जाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है देहरा में। देहरा में सड़कों की दुर्दशा और लोक निर्माण विभाग के लापरवाही से लोग पहले से ही परेशान हैं और ये दर्द तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब लोगों को इस लापरवाही का विरोध करने पर गाली गलौज और हमला बर्दाश्त करना पड़ जाए। दरअसल हुआ यूं कि पिछले 1.5 साल से गुलेर रेलवे स्टेशन के पास राज्य उच्च मार्ग पर 150 मीटर टाइलें डालने का काम चल रहा है जो कि अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। जब इस काम को स्थानीय लोगों के साथ सुकृत सागर देखने पहुंचे और इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए अधिशांशी अभियंता देहरा को फोन किया तो ये बात वहाँ खड़े ठेकेदार के मुंशी और उसके लोगों को नागवार गुजरी, जिससे नाराज होकर उन्होंने सुकृत सागर पर गाली गलौज करते हुए हमला बोल दिया। सुकृत सागर ने बताया कि उनके पास सुबह कुछ स्थानीय लोग आए और उन्हें जानकारी दी कि गुलेर रेलवे स्टेशन के पास ठेकेदार ने सड़क उखाड़ दी है, जिसकी वजह से एक युवक मोटरसाइकिल से गिर गया है और बुरी तरह से घायल हुआ है। बताया कि यहाँ पर कंक्रीट का काम चल रहा है लेकिन विभाग और ठेकेदार का कोई भी तकनीकी व्यक्ति यहाँ नहीं है। इतने में ही वहाँ पर कुछ ठेकेदार के लोग जिन्होंने शराब पी रखी थी आकर मुझ पर हमला बोल दिया, जिसकी जानकारी मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन हरिपुर को दी, जिसके उपरांत पुलिस स्टेशन हरिपुर से पुलिस के सिपाही वहाँ आए और मुझे शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन चलने को कहा। सुकृत सागर ने कहा कि मैं तो पुलिस स्टेशन आ गया और पुलिस ने मेरा मेडिकल भी करवाया लेकिन पुलिस ने न ही तो आरोपियों को पुलिस स्टेशन लाई और न ही उनका मेडिकल करवाया। अब पुलिस ने ये किस दबाव में किया ये जांच का विषय है। सुकृत सागर ने कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया उनमें से एक व्यक्ति ने तुरंत किसी को फोन किया और मेरे बारे में गाली गलौज की। अब ये जांच होनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने किसको फोन किया जिससे उसने मुझ पर हमला करने के निर्देश लिए। सुकृत ने कहा कि मैं लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक जीवन में कार्य कर रहा हूं और जनता के हित में करोड़ों के भ्रष्टाचारों को उजागर कर चुका हूं, तो मैं मांग करता हूं कि मेरी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए इस मामले में स्पष्ट व जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सुकृत ने कहा कि देहरा में कुछ लोग डर का माहौल बनाना चाहते हैं जिससे भ्रष्टाचार और उनके काले कारनामों के खिलाफ आवाज उठाना बंद हो जाए, लेकिन मैं हमेशा निडर होकर अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। कल सुबह कुछ स्थानीय लोग मेरे पास घर पे आए और मुझे जानकारी दी कि गुलेर रेलवे स्टेशन के पास जो है वो लोक निर्माण विभाग ने एक सड़क उखाड़ दी है दोनों तरफ से, और वो लेफ्ट टू राइट एक एंड से दूसरे एंड तक काफी गहराई से उखाड़ दी गई है। और दोपहर होते होते एक युवक मेरे पास आया जो कि उस उखाड़ी हुई सड़क की वजह से गिर गया था और काफी बुरी तरह से घायल हुआ है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए मैं जब मौके पे पहुंचा वहां पे गुलेर रेलवे स्टेशन के पास, तो मैंने देखा कि वहां पे जो कार्य चल रहा है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसकी मैं आपको फुटेज भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आप मौके पे जाके भी देख सकते हो। तो जब मैंने वहां पे जाके पूछा कि आपके पास सड़क उखाड़ने की कोई परमिशन या फिर जो आप कार्य कर रहे हैं, एक तो वहां पे जो सीमेंट था वो सीमेंट भी सीमेंट भी सरकारी सीमेंट नहीं था, खुली बोरियों में कहीं से आ रहा था। तो मैंने वो सारी जानकारियां वहां पे चाही, तो एक तो वहां पे कोई भी टेक्निकल जो है ना ही तो डिपार्टमेंट का आदमी था ना ही कोई ठेकेदार का आदमी था। इतने में क्या होता है कि वहां से मैंने फोन किया एक्सएन महोदय को मैंने इस सारे वाक्य की जानकारी दी, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है लेकिन वो जेई से बात करके बताते हैं सारी चीज। यही मेरी कन्वर्सेशन एक्सएन महोदय से जो हो रही थी वो वहां पे लगी हुई लेबर ने सुन ली और लेबर ने तुरंत वहां पे एक मुंशी था मेरे ख्याल से उसको फोन किया, और मुंशी को फोन करने के बाद वहां से मुंशी दूसरी तरफ से आता है जो कि मुझे लगा कि वहां पे बैठ के वो शराब पी रहा है। तो जैसे वो मेरे पास आया तो मेरे से एकदम से उलझ पड़ा, तो मेरे से पूछता कि आप कौन हो, तूतराक करके गाली गलौज करके उसने बात करना शुरू कर दी। तो मैंने बोला यार मैं जानना चाह रहा हूं कि आप जो काम कर रहे हो उसकी गुणवत्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, आप कंक्रीटाइजेशन का काम कर रहे हो, इस पे सोलिंग बिल्कुल नहीं हुई है, कीचड़ में आप ये सारे का सारा जो मटेरियल है इसको आप डाल रहे हो, सड़क आपने उखाड़ दी है, परमिशन है आपके पास या नहीं है। तो इसी बात पे उसने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी और एकाएक वो मेरे ऊपर आ गया वो एकाएक, और आते ही उसने मेरे को धक्का दे दिया, तो जिसका मैंने विरोध किया। उसके उपरांत मैंने पुलिस स्टेशन हरिपुर में इसकी जानकारी दी एसएचओ महोदय को, और उसके बाद एसएचओ महोदय ने दो पुलिस वाले वहां पे भेजे, तो पुलिस वाले ने आके मेरे से बात की तो मुझे बोला कि आप पुलिस स्टेशन चलिए। तो मैं पुलिस स्टेशन चला गया और उसके बाद पुलिस वाले थे उन्होंने वो जो ठेकेदार के आदमी थे उनसे बात की,
और उनसे बात करने के बाद उनको पुलिस स्टेशन बुलाया या नहीं बुलाया मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस वाले बता रहे थे कि उन्होंने उनको भी पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में जाके मैंने अपना शिकायत पत्र दिया और शिकायत पत्र देने के बाद पुलिस ने मेरा मेडिकल करवाया। लेकिन यहाँ मुझे दुख इस बात का है कि मेरा मेडिकल तो पुलिस वाले ने कल करवा दिया, जो कि अच्छी बात है, उनको करवाना भी चाहिए था कि मुझे कोई चोट तो नहीं आई है। लेकिन मैंने उनसे मांग की कि अगर आप आज मेरा मेडिकल करवा रहे हैं तो जो आरोपी हैं उनका भी आज ही मेडिकल करवाएं, या उनको तो आपने बुलाया नहीं अभी तक पुलिस स्टेशन। तो वो उन्होंने आनाकानी करना जो है वो शुरू कर दी और उनको नहीं बुलाया। हाँ, उससे पहले जब वो मेरे से उलझ रहा था, वो जो ठेकेदार का मुंशी है या ठेकेदार के जो लोग हैं, तो उन्होंने वहां से किसी को फोन किया था। तो अब वहां से जिसको फोन किया था उसके साथ भी उन्होंने मेरे प्रति बड़ी बदतमीजी और एक गलत लहजे से बातें की। अब वो फोन उसने किसको किया वो उन लोगों के रिकॉर्ड से पता चल सकता है कि उन्होंने किसको फोन किया, किसको क्या जानकारी दी और किससे निर्देश लिए मुझ पे हमला करने के, ये वहीं से पता चल सकता है। और उसके साथ कौन कौन लोग थे ये वो बता ही देगा। तो मेरा मेडिकल तो पुलिस वालों ने कल करवा दिया, लेकिन उनका मेडिकल नहीं करवाया। इसकी शिकायत भी मैं आज सोच रहा हूँ कि एसपी महोदय को दूंगा कि जो इसमें जो कार्रवाई है वो ठीक ढंग से पुलिस ने मेरे ख्याल से नहीं की है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा मेडिकल हुआ तो साथ साथ ही उन लोगों का होता, लेकिन उनका मेडिकल इसलिए नहीं किया गया कि शायद उन्होंने बहुत भारी शराब पी रखी थी और उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया। तो मैंने और भी डिमांड की है कि मैं समय समय पे सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ और बड़े लंबे समय से सामाजिक जीवन में हूँ, और ऐसे बड़े सारे भ्रष्टाचार के मामले मैंने उजागर किए हैं, जिससे जिसका जैसे एक हरिपुर देहरा सड़क का एक उदाहरण है, गुलेर में पानी की स्कीम लगी थी 3 करोड़ 72 लाख की, वो उदाहरण है। तो ऐसी बहुत सारी है। तो ऐसे आवाज उठाने पे ही अगर लोग आप पे हमला करने लगेंगे तो कल को कौन आवाज उठाएगा, और इस हिसाब से तो एक अच्छे समाज का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पुलिस से मांग की है कि आप मेरी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए मेरी जो भी कार्रवाई करनी है उस कार्रवाई को करें, मेरी सुरक्षा भी सुनिश्चित करें ताकि आगे से मुझ पर कोई ऐसा हमला ना हो, और एक चीज और आगे से मुझ पे कोई ऐसा हमला ना हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा ये लोग ऐसे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं इनको ये भी बता दूं कि ऐसे हमलों से मैं डरने वाला भी नहीं हूं। मैं आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो ये विभाग और ये ठेकेदार लोग ये जो गलत कर रहे हैं हमारी जनता के साथ, इसके खिलाफ मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा।